अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में मातम छाया हुआ है और देश गुस्से में भी है। देश के जवानों पर धोखे से वार करने वाले आतंकी चारों तरफ से घिर चुके हैं। अनंतनाग के पहाड़ों पर छुपे आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल कभी भी दबो सकते हैं। पहाड़ों पर ड्रोन और पैरा कमांडो उतार दिए गए हैं। जल्दी इन आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी के बीच एक होश उड़ा देने वाला दावा भी किया जा रहा है। इस दावे में सच्चाई की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने किया है। यह कई बड़े एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का हिस्सा भी रह चुके हैं। डीजीपी ने शक जताया कि किसी भी गद्दार की वजह से भारतीय जवान खोए हैं। डीजीपी के मुताबिक सेना को खुफिया जानकारी देने वाले किसी भी स्थानीय व्यक्ति ने आतंकवादियों से हाथ मिला लिया हो, यानी सेना को किसी ने मुखबिर बनकर धोखा दिया है। यह गद्दार आतंकवादियों से मिला हुआ था। इसी मुखबिर ने सेना को झूठी जानकारी देकर के आतंकियों के पास बुलाया था। इस व्यक्ति ने साजिश के तहत सेना के अधिकारियों को बोला होगा कि उसे आतंकियों के ठिकाने का पता है। सेना के सोर्स ने सेना के साथ गद्दारी की है। सोर्स से जानकारी मिलने के बाद जब सेना के अधिकारी इलाके में पहुंचे तो वहां पहले से ही आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने पहाड़े को ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से तीन बड़े अधिकारी शहीद हो गए। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सेना को गलत जानकारी किसने दी, कश्मीर में बैठा यह गद्दार कौन है। आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी बैद का बयान सुनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपनी आर्मी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और जेएनके पुलिस के काबिलियत पर और उनके जो पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है कि बहुत जल्दी इन टेररिस्टों को ट्रैक डाउन कर लेंगे और इनको अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई सोर्स ने खबर दी थी कि उसने कोई हाइड आउट बनाया है और जंगल जो पहाड़ी इलाका है कुकरना का, उसमें घने जंगल में पहाड़ी इलाके में एक हाइड आउट में उसने टेररिस्टों को रखा है। इसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये सोर्स मिला हुआ ना हो। इसने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि वो एम्बुश लगा के बैठे थे। अगर वहाँ टेररिस्ट थे या तो उनका कोई संतरी वहाँ होगा जो इस पर नज़र रख रहा था कि कौन उनके हाइड आउट की तरफ आ रहा है, या फिर उन्होंने जब आर्मी और